डॉक्टर राधाकृष्णन मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल हमीरपुर में इमरजेंसी के साथ बनने वाले कोविड वार्ड का एस्टीमेट तैयार हो गया है। कोविड वार्ड के लिए 82 लाख रुपए का एस्टीमेट तैयार किया गया है। एस्टीमेट को मंजूरी के लिए डायरेक्टर हेल्थ को भेजा गया है। मंजूरी मिलने के उपरांत बजट रिलीज होने पर कोविड वार्ड का निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। कोविड वार्ड बनने के बाद गंभीर सांस रोगों से पीड़ित मरीजों को अन्य अस्पतालों में रेफर नहीं किया जाएगा। यहां पर भी सारी व्यवस्थाएं होंगी। कोविड वार्ड के साथ ही ऑक्सीजन प्लांट लगाया जाएगा। वहीं कोविड वार्ड में करीब 6 वेंटिलेटर स्थापित होंगे, जिनकी सुविधाएं मरीजों को मिलेंगी। आपको बता दें कि कोरोना से संक्रमित गंभीर पीड़ितों को उपचार के लिए टांडा या फिर नीरचौक मेडिकल कॉलेज रेफर किया जा रहा है। इस समस्या से निजात के लिए अब मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में ही कोविड वार्ड का निर्माण करने की योजना है। इसी के तहत कोविड वार्ड का डिजाइन बना लिया गया है। डिजाइन बनाने के लिए खर्च का एस्टीमेट भी तैयार कर लिया गया है। जाहिर है कि कोरोना संक्रमण के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। बात हमीरपुर की करें तो अब तक कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1200 के पार हो गया है। मरने वालों का आंकड़ा 12 है। गंभीर हालत में कोरोना मरीजों को उपचार के लिए अन्यत्र भेजा जा रहा है। इसी के चलते अब मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में कोविड वार्ड बनाने की कवायद शुरू हो गई है। कोविड वार्ड बनाने के लिए 82 लाख रुपए का एस्टीमेट तैयार किया गया है, जिसे मंजूरी के लिए डायरेक्टर हेल्थ को भेजा गया है। मंजूरी मिलने के बाद लोक निर्माण विभाग के माध्यम से कोविड वार्ड का निर्माण शुरू किया जाएगा। कोविड वार्ड में वेंटिलेटर सहित अन्य सुविधाएं होंगी। इसके साथ ही इस वार्ड को 3 तरफ से बंद किया जाएगा। पहले जब इमरजेंसी के साथ कोविड वार्ड बनाने की योजना बनी तो कई लोगों के मन में शंका थी कि इमरजेंसी में काफी लोग उपचार के लिए पहुंचते हैं, ऐसे में यहां कोविड वार्ड नहीं बनना चाहिए। हालांकि ऐसा नहीं है कि कोविड वार्ड को 3 तरफ से बंद किया जाएगा। विपरीत दिशा से ही कोविड वार्ड में प्रवेश की सुविधा रहेगी, ताकि उपचार के लिए पहुंचने वाले अन्य मरीजों को संक्रमण लगने का खतरा बिल्कुल भी ना हो।